विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, आप सबको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही आपका जो प्यार है आप लोग बना के रखिएगा। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, किमछो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा वुड पे। और अभी हूं मैं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के बीच रोड के ऊपर, और इस रोड के ऊपर मैं आया था सिर्फ जो बीच के ऊपर कल एक म्यूजिक फेस्टिवल यहां पर स्टार्ट होने वाला है उसकी कुछ यहां पर रिहर्सल्स चल रही थी। तो यार एक साउंड था जो मेरे घर तक आ रहा था, मैंने सोचा जाके देखा जाए कि वहां पर फिलहाल कैसा माहौल है और किस तरह की तैयारियां चल रही हैं यहां पर कल के उस म्यूजिक फेस्टिवल के लिए। और इसके साथ साथ यार एक जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि जो WHO है, WHO ने जो कोवैक्सीन है कोवैक्सीन को अप्रूव कर दिया है यहाँ पर इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो बहुत जल्दी जो थाईलैंड गवर्नमेंट है जो यहाँ पर वैक्सीन को अलाउ कर रही है इंडिया से यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए, तो हो सकता है कि कोवैक्सीन को भी उस पर बहुत जल्दी शामिल कर लिया जाए। तो यार एक अच्छी न्यूज़ है मेरे उन भाइयों के लिए जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है, और वो लोग यार काफ़ी दिन से ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे कि कोवैक्सीन वाले कैसे आएंगे, कोवैक्सीन वालों को क्वारंटाइन होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा। तो भाई अब घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, WHO ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है कोवैक्सीन को, तो बहुत जल्दी ऑफिशियली यहाँ पर ऐसा भी अनाउंस हो जाएगा कि कोवैक्सीन को यहाँ पर थाईलैंड में जो वैक्सीन अलाउ है यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये है ब्यूटीफुल से पत्या बीच का शाम का माहौल, और शेक्स यहाँ पर ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं, क्लोज इन द सेंस ये लोग जो इसके अम्ब्रेलाज ये लगाते हैं यहाँ पर बड़े बड़े, इन्होंने फोल्ड कर दिए हैं। अब लोग जो यहाँ पर आएंगे वो शाम को यहाँ पर जो एक सनसेट होता है वो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो चेयर्स हैं भी यहाँ पर कुछ चेयर्स रह गई हैं, बाकी मोस्ट ऑफ सब कुछ यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो पैक हो चुका है। और अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे सामने तो जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक म्यूज़िकल फेस्टिवल का जो यहाँ पर कल से स्टार्ट होने वाला है पत्या सिटी के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर अलग अलग इसको हिस्सों में बांटा जाता है, यहाँ पर जो पीछे लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर खड़े होकर ये फंक्शन एंजॉय कर सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको यहाँ पर सेकंड इट्स अ काइंड ऑफ सेकंड रो बोला जाता है इसको, क्यों एक एरिया है जो आगे वाला फ्रंट वाला वो VIPs के लिए है वहाँ पर, और उसके अलावा जनरल पब्लिक के लिए यहाँ पर ये पीछे वाले एरियाज हैं। यहाँ पर भी ये लोग अभी चेयर्स लगा देंगे जो प्लास्टिक की चेयर्स अगर आप लोग देख रहे हैं डाउन। तो यार काफ़ी सारे लोग होते हैं यहाँ पर जो इस फेस्टिवल को यहाँ पर इंजॉय करते हैं, और आप लोग बिलीव करिए कि जो वीकेंड अब आने वाला है यहाँ पर उस वीकेंड के लिए एक अच्छी खासी तैयारी चल रही है यहाँ पर पत्या में। होटल्स भी तैयार हैं यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स तैयार हैं, और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स जो काफ़ी टाइम से यहाँ पर क्लोज थे वो ओपन हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूजिकल फेस्टिवल, क्योंकि यार इस फेस्टिवल के अंदर हजारों लोगों का यहाँ पर पत्या के अंदर इकट्ठा होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आएंगे इस फेस्टिवल को इंजॉय करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप लोग पीछे भी देखें तो यार एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा आज यहाँ पर सनसेट हो रहा है, क्योंकि आज आसमान लगभग पूरा साफ है, नहीं तो यार काफ़ी दिन से तो जो पर्टिकुलर जो ये टाइम है शाम का इस टाइम पर बरसात होती है, मतलब होती है यार कहीं से भी यहाँ पर बादल आता है। और पत्या के अंदर एक चीज़ फेमस है कि यार पत्या की जो बरसात है उसका कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप लोग सामने बीच के ऊपर एक छोटा सा और लाइट देख पा रहे हो बिल्कुल मेरे फिंगर के पास में, तो वहाँ पर है दूसरा स्टेज जो बना है लगभग 106 के पास में। तो इस तरह के बीच के ऊपर टोटल तीन स्टेज बनते हैं, और जो तीसरा स्टेज बना है अगर आप लोग आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं, एकदम कॉर्नर में एक रेड कलर का आपको लाइट वहाँ पर शाइन होता हुआ दिख रहा होगा एकदम लास्ट में, तो वो है होटल दूषित थाने के पास में, वहाँ पर है तीसरा स्टेज। तो इस तरह के टोटल तीन स्टेज अलग अलग बनाए जाते हैं यहाँ पर इस बीच के ऊपर। तो फिलहाल ये है तैयारी यहाँ पर उस म्यूज़िक फेस्टिवल की जो यहाँ पर कल से स्टार्ट होने जा रहा है, और अभी फ़िलहाल ये सिर्फ दो दिन के लिए है यहाँ पर 5 और 6, और इसके बाद जो नेक्स्ट डेट है वो है 12 और 13 इस महीने की, और इसके बाद दिसंबर में एक बार फिर से 2 हफ्ते के लिए लाइक 2 वीकेंड्स पे ये जो म्यूज़िक का फेस्टिवल है यहाँ पर ऑर्गेनाइज
किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप लोग देखें तो पतिया बीच के ऊपर इस तरह के यहाँ पर तीन स्टेज बनाए गए हैं और इन तीन स्टेज में जो यहाँ के बड़े बड़े जो बैंड्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं और उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो रोटेट होता रहता है। मान लीजिए अभी एक बैंड यहाँ पर परफॉर्म करके गया है एक घंटे के लिए, तो उसका जो नेक्स्ट हो सकता है कि वो थर्ड स्टेज के ऊपर हो या फिर सेकेंड स्टेज के ऊपर हो। तो इस तरह से जो यहाँ पर जो बैंड्स हैं वो रोटेट होते रहते हैं यहाँ पर और परफॉर्मेंस हर जगह पर लोग इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लोग बीच पर एक ही स्टेज यहाँ पर बनाया जाए तो बॉस यहाँ पर इतनी सारी पब्लिक होगी कि वो संभाले नहीं संभलेगी। तो यार लोग अपने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से जो बैंड वो लोग पसंद करते हैं, जिसका म्यूजिक वो लोग सुनना चाहते हैं, उसके हिसाब से लोग अपने अपने जो स्टेजेस होते हैं, जो एरियाज होते हैं वो चूज करते हैं यहाँ पर। तो ये है यहाँ पर वो स्टेज जहाँ पर कल से एक बहुत ही बड़ा म्यूजिक का फेस्टिवल स्टार्ट होने जा रहा है पतिया सिटी के अंदर। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे और पतिया बीच से मैं थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ वॉकिंग स्ट्रीट की साइड पर। अगर आप लोग सामने देख रहे हैं तो जो वॉकिंग स्ट्रीट का जो एंट्रेंस है, जो बोर्ड है, वहाँ पर आपको दिखेंगे काफ़ी सारे लोग जो यहाँ पर इस बोर्ड को एक बार फिर से एक नए तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं। अगर आप लोग देखें तो जो वॉकिंग स्ट्रीट का जो एक जो लिखा हुआ है यहाँ पर जो उसके बिल्कुल ऊपर ये लोग यहाँ पर एक नया LED लगा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर तैयारी हो रही है एक तरह से यहाँ पर टूरिस्ट का वेलकम करने की। अगर आप लोग सामने देखें तो काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। एक पूरा यहाँ पर स्टैंड लगाया गया है, उस स्टैंड के ऊपर काफ़ी सारे लोग आपको दिख जाएंगे जो ऊपर चढ़े हुए हैं और वो लोग यहाँ पर एक बड़ा LED यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस टाइम पर और ऊपर अगर देखें तो वॉकिंग स्ट्रीट का जो बोर्ड है उसको एक नया यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कुछ नए तरीके से यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो जो ये लाइट्स थी इनको रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पर वॉकिंग की जो लाइट्स थी काफ़ी दिन से जो लाइट्स थी ये भी कुछ ऑन थी कुछ ऑफ थी, तो ये लाइट्स को रिपेयर करने के साथ साथ यहाँ पर एक नया LED ये लोग फिक्स कर रहे हैं ऊपर। तो यार वॉकिंग स्ट्रीट के गेट को एकदम नए तरीके से यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और बहुत ही एकदम जो प्रोफेशनल जो आप लोग लाइट्स बोलते हैं जो क्लब के अंदर लाइट्स होती है जैसे मूविंग हेड्स होते हैं यहाँ पर, वो जो मूविंग हेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके बाद कुछ एक LEDs यहाँ पर लगाई गई हैं और उसके अलावा एक बहुत ही बड़ी LED यहाँ पर डिस्प्ले के लिए लगाई जा रही है जिसमें हो सकता है आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से ग्राफिक्स देखने को मिले जैसे ही आप लोग वॉकिंग के लिए अंदर एंटर करें और आपको एक पूरा जो वॉकिंग का माहौल है वो बाहर इस स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाए। और इसके साथ साथ यार यहाँ पर एक जो ट्राई चल रहा था कि पतिया की जो नाइट लाइफ है उसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर ओपन कराया जाए, उसके लिए आज एक बहुत बड़ा मीटिंग भी था, लेकिन उस मीटिंग का जो रिजल्ट आया है फिलहाल वो रिजल्ट पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। तो अभी फिलहाल जो पतिया की नाइट लाइफ है उसको कुछ टाइम के लिए और यहाँ पर होल्ड पे रखा गया है और पतिया को भी फिलहाल कुछ और टाइम के लिए ऐसे ही ड्राई रहना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ में कुछ ऐसा भी कहा गया है कि यार आप लोग तैयारी रखिए, किसी टाइम भी हम लोग आपको बता सकते हैं कि आप लोग जो नाइट लाइफ है वो ओपन कर सकते हैं, जो आपके बार्स हैं, जो आपके क्लब्स हैं, जो आपके पब्स हैं, आप लोग रेस्टोरेंट पे लिकर सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार अभी और करना पड़ेगा। तो बस यही थी कुछ छोटी सी जानकारी जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आस पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम मैं हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा बोट। सी या।